मध्य प्रदेश के साथ ही गरियाबंद जिले में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। सरकार ने धान खरीदी की पूरी तैयारी करने का भी दावा किया है और अभी धान बेचने के लिए समितियों में किसानों को टोकन जारी करने का काम चल रहा है। सरकार ने समर्थन मूल्य 1835 रुपये का भुगतान करने का दावा किया है, साथ ही 2500 रुपये के अंतर की राशि बाद में बोनस के तौर पर देने का भरोसा दिलाया है। इसके बावजूद भी किसान संशय में है। किसानों का कहना है कि जब सरकार ने 2500 रुपये धान खरीदने का दावा किया था तो उनका धान उतने में ही खरीदा जाए और उसका भुगतान भी एकमुश्त किया जाए। किसान सरकार के फैसले से नाराज हैं और वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। सरकार है 25 रुपया घोषणा करे है, लेकिन हमारा तो एवं संशय होते कि अभी यहाँ जो बोर्ड हम लिखे है अपन पतला धान 1835, मोटा 1815, सरना 1815, तो सरकार ने जब 2500 रुपये खरीदना है तो अपन बोर्ड हम लिखना चाहिए 2500 रुपये। बिल्कुल किसानों के साथ छलावा हो रहा है और सरकार अपने वादे से मुकरती नजर आ रही, क्योंकि अभी जब सरकार वादा किया है तो 2500 रुपये एकमुश्त देना चाहिए। अभी तो निश्चित रूप से धोखा वाली बात हो रहा है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार।